मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें आपको बताया गया है कि श्वसन गुणांक को कैसे हम एक मिनट के अंदर आसानी से याद कर लें और कभी ना भूलें। इससे संबंधित बहुत सारे सवाल बार बार एग्जाम में आते रहते हैं और इसी में सिल्क वार्म और विभिन्न प्रकार के सिल्कों के बारे में बताया गया है जिसे आप एक मिनट में आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम ट्रिक के साथ इसको याद करें। देखिए इसमें दिया गया श्वसन गुणांक के बारे में, काका वापस आए, काका वापस आए, ये सार ट्रिक है जिसकी सहायता से आप इन छह प्रकार के श्वसन गुणांक को आप याद करेंगे। जैसे देखिए पहले काका मतलब है, यहाँ देखिए दिया हुआ है, काका मतलब है कार्बोनिक अम्ल, दूसरे काका मतलब है कार्बोहाइड्रेट। अल्फाबेट में ही देखें तो कार्बोनिक पहले आता है, कार्बोहाइड्रेट उसके बाद आता है। वा का मतलब है वसा, प का मतलब है प्रोटीन, और स का मतलब है सकुलेंट, और आ का मतलब है अनाक्षी श्वसन। का वापस आए में देखिए सबसे पहले आता है क से कार्बोनिक अम्ल, तो जिसका श्वसन गुणांक होता है एक से अधिक, सबसे पहले भी है तो सबसे अधिक सबसे आगे होगा, इसलिए क से कार्बोनिक अम्ल, इसका श्वसन गुणांक होता है एक से अधिक। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, इसका श्वसन गुणांक होता है एक। तीसरा है वसा, इसका श्वसन गुणांक होता है एक से कम। नंबर चार पे है प प्रोटीन, जिसका श्वसन गुणांक है 0.5 से 0.9। फिर स से है सकुलेंट प्लांट, जिसे मांसल पौधे बोलते हैं, जैसे नागफनी वगैरह, तो इसका श्वसन गुणांक होता है जीरो। और लास्ट में है अनाक्षी श्वसन, और इसका आर क्यू माने रेस्पिरेशन कोएफिशिएंट जो है, श्वसन गुणांक जो है ये अनंत होता है। तो इस प्रकार आप आसानी से श्वसन गुणांक को काका वापस आए से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे। तो एक बार पुनः देख लें, काका मतलब है कार्बोनिक अम्ल, या इसको आप ये बोल सकते हैं कार्बो कब वापस आए, ऐसे भी याद कर सकते हैं। पहले कार्बो का मतलब हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल, फिर कब का मतलब कार्बोहाइड्रेट से है, वा का वसा से, अपा का प्रोटीन, स का सकुलेंट, और आ से अनाक्षी श्वसन। तो काका वापस आए से आप ये छः याद कर सकते हैं आसानी से, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सकुलेंट और अनाक्षी श्वसन। और इसका क्रम यहाँ से याद कर सकते हैं, पहले में एक से अधिक, फिर एक, एक से कम, फिर 0.5 से 0.9, और फिर सकुलेंट में है जीरो, और बाद में फिर अनंत माने सबसे ज़्यादा। आगे देखते हैं यहाँ सिल्क वार्म के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है, पहले बेसिक देख लेते हैं। एस्टडी ऑफ सिल्क वार्म सेरिकल्चर कहलाता है, और इसका जीवन काल 2 से 3 दिन होता है, और इसका जो लार्वा होता है कैटरपिलर लार्वा कहलाता है। कोकून फॉर्मेशन, इसमें कोकून का जो निर्माण होता है वो सलेवरी ग्लैंड द्वारा होता है, और संपूर्ण जो इंसेक्ट पूरा है उसको हम लोग बोलते हैं इमैगो। और मैक्सिमम सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है, मैक्सिमम सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो कर्नाटका है। आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के सिल्क को याद करने की ट्रिक, इसे इस ट्रिक से आप आसानी से एक मिनट में याद कर सकते हैं, और 5 प्रकार के हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इससे सारी ट्रिक क्या है, OAP इसे सार्ट क्या है, देखें OAP माँ और टामी यहाँ पर मेरी बीएमओ में। फिर देखें सार्ट क्या है, OAP माँ और टामी यहाँ पर मेरी बीएमओ में, तब इसका सार्ट का मतलब क्या है। याद देखिए पहले ओ का मतलब है ओक सिल्क, ओ से मतलब है ओक सिल्क, और AP का मतलब है ये ओक सिल्क किससे प्राप्त किया जाता है। ए से है एंथ्रेरिया, और पी से है प्रोएली, तो OAP का मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे, ओ से ओक सिल्क और AP से एंथ्रेरिया प्रोएली। OAP हो गया माँ से, यम से यहाँ पहले अच्छे से दिया गया मूंगा सिल्क, और डबल ए से है एंथ्रेरिया एसामेंसिस, ये भी आसानी से आप समझ सकते हैं यहाँ पे, यम से मूंगा सिल्क और ए से एंथ्रेरिया एसामेंसिस, OAP माँ और टामी, तो एंड को यहाँ नहीं नोट करना है। टामी में देखिए टी से टसर सिल्क, और ए से एंथ्रेरिया, और एम वाई से माइलिटा, तो टसर सिल्क जो है ये एंथ्रेरिया माइलिटा से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, यहाँ में ई से आपको मतलब है एरिया एरेंडी सिल्क,
ऑपर का मतलब है फिलोसुइमिया रिसनी, परी भी बोल सकते यहाँ पर ही, तो पी से फिलोसुइमिया और आर से रिसनी। तो अब देखिए ओ हो गया, ओ ए पी हो गया, माँ हो गया, टामी हो गया, यहाँ पर हो गया मेरी बीएमओ में, ठीक है मेरी में। यम से आपको यहाँ डिनोट करना मलबेरी सिल्क, मलबेरी सिल्क, यम से क्या करना है मलबेरी सिल्क। और बीएमओ मतलब बीएमडब्ल्यू भी होता है बीएमओ, माने बीएमओ मेरी कार में, तो बीएमओ का मतलब बी से बॉम्बिक्स, यम से है मोरी। इस प्रकार यहाँ पे मेरी बीएमओ में, तो आसानी से आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। एक बार पुनः देखें सार्ट क्या है, ओ ए पी, माँ और टामी यहाँ पर मेरी बीएमओ में। तो जो इसमें पहले अल्फाबेट दिए हैं सारे, जैसे यहाँ दिया ओ दिया है ए पी से, उसका इंसेक्ट दिया है जिसे ये प्राप्त किया जाता है। माँ में यम पहला, इसे आप सेल का नाम समझ लेंगे। टी से टामी में, और यहाँ पर ई से, और मेरी बीएमओ में यम से आपको सिल्क का नाम समझना है। उसके बाद दिया है जो उससे कौन से इंसेक्ट से प्राप्त होता है, उस इंसेक्ट का नाम याद रखना है। जैसे ए पी से एंथ्रेइया प्रोएली, यम में मूंगा सिल्क हो गया, डबल ए से एंथ्रेइया एसामेंसिस, टामी में टी से हो गया टसर सिल्क, और ए एम ओ आई से हो गया एंथ्रेइया माइलिटा। ऐसे यहाँ पर ई से समझना है एरिया एरेंडी सिल्क, और पी आर से आपको समझना है फिलोसुइमिया रिसनी, और यह मेरी बीएमओ में तो यम से आपको मलबरी सिल्क अक्सर पूछा जाता है, और बीएमओ का मतलब है बॉम्बिक्स, यमओ का मतलब है मोरी। तो मित्रों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस तरह से इस प्रकार के बहुत से वीडियो पाने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।